गर्भवती जो महिलाएं हैं या बीमार जो बुजुर्ग हैं या बच्चों पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, तो उनकी अगर हम बात करें विशेष तौर पर, तो किस प्रकार का और ज्यादा हमको सजग रहना चाहिए महाराज? जी नमस्कार, और जेएनटी के सभी दर्शकों को भी शुभ नमस्कार। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है, ये भारत में दृश्य नहीं, वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को लग रही है, साथ में बुद्ध पूर्णिमा है, तो बहुत अच्छा योग भी है एक तरह से, और प्रायः पूर्णिमा के दिन ही इस तरह की स्थितियां बनती हैं। यह उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया को थोड़ा सा एक मिनट में समझ लें कि ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की स्थितियां ये होती हैं कि पृथ्वी के निकट यानी पृथ्वी के छाया में सबसे पहले चंद्रमा आता है, उसके बाद वह पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में होता है, यानी पहले शुरुआत में ही छाया में, पृथ्वी के छाया के अधीन चंद्रमा जब आता है, उसके बाद फिर जब आगे बढ़ता है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है पूर्ण चंद्र ग्रहण की। तो इस समय जो कल लगने वाला चंद्र ग्रहण है, वह पृथ्वी के छाया में प्रवेश करने के बाद ही बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे में पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से, चूंकि भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका खूब महत्व है और खूब प्रभाव है। रही बात कि क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बात तो जो सूतक के नियम होते हैं लागू जब नहीं होंगे तो फिर पालन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी यदि भोज्य पदार्थों में हम कुसा, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि कुसा और तुलसी दल डाल देते हैं तो पवित्रता बनी रहती है, उसका पुनः प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर गर्भवती स्त्रियों को क्या ध्यान रखना है कि चाकू का प्रयोग न करें इस दौरान, ग्रहण के सूतक में भी कोशिश करें और ग्रहण के समय तो बिल्कुल भी न करें। वैसे भी रात में लग रहा है तो प्रयोग नहीं करेंगी वो, तो नुकीली चीजों का प्रयोग न करें, चाकू का प्रयोग न करें, अपशब्द न बोलें, गाली गलौज न करें, मन में नकारात्मक विचारों को न पनपने दें। यह बहुत आवश्यक चीज है ग्रहण के दौरान, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थितियां बनती हैं तो वातावरण में एक ऊर्जा का असंतुलन हो जाता, प्रवाह बढ़ जाता, तो जिस तरह की विचारधारा हम रखेंगे अपने मन में, उस तरह का हमें सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर ग्राह्य होगी, तो उसका नकारात्मक अगर विचार रखेंगे तो नकारात्मकता की सीमा बढ़ जाएगी, तो और हम नकारात्मक होते चले जाएंगे। सकारात्मक होंगे तो सकारात्मकता का भाव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा, जिससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाएगी। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखा जाता है कि ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव को याद करिए, मंत्रों का जप करिए, तर्पण हवन करिए, यज्ञ करिए, यानी जितना धार्मिक कार्य है, सकारात्मक कार्य है, उन कार्यों को करिए। मूर्ति स्पर्श करना वर्जित माना जाता है जब सूतक लगता है, नहीं लगा है लेकिन रात का समय होगा भारतीय मानक समय के अनुसार, चूंकि 8:45 रात से शुरुआत हो रही है, मध्य 10:52 पर होगा और रात में 1:02 पर मोक्ष काल होगा, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है मंदिर के कपाट अपने आप बंद रहते हैं। जी। फिर भी आप एकांत में बैठ करके अपने इष्ट देव के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, राशियों के अनुसार भी मंत्रों का जप कर सकते हैं, और ग्रहण के बाद में गंगा स्नान करके या गंगा जल से स्नान करके या स्वयं को पवित्र करके कुछ वस्तुओं को दान कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर चंद्र ग्रहण का शुभ फल भी व्यक्ति को मिलता है।